Welcome students. Today we are doing question number 8, exercise 13.5. This is very interesting question, right? Let us see. Question number 8. A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. देखिए एक आपके पास बड़ा सा क्यूब है, ठीक है? इस क्यूब के आपने छोटे छोटे क्यूब्स काटने हैं इसमें से, और जब आपने इक्वल साइज के जब सारे क्यूब्स काटे इसमें से, सपोज आपने यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब काट दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ये वाला क्यूब काटा है यहाँ से, और वो कह रहे हैं इस क्यूब में से आपने जब क्यूब्स काटे तो आपके कितने टोटल इक्वल क्यूब्स आए हैं? 8 इक्वल क्यूब्स आए हैं। अब आप बताइए, इस क्यूब के अंदर से अगर आपने 8 क्यूब्स काटे हैं तो इसका मतलब है इस स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम इस पूरे क्यूब के वॉल्यूम का 1/8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 क्यूब्स आपके ऑक्यूपाई हो रहे हैं इक्वल साइज के। तो अगर मुझे एक छोटे क्यूब जो आपने काटा है उसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस बड़े क्यूब के सॉलिड क्यूब को 8 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब निकालना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर एच, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ इसका? ए क्यूब होता है, तो दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 12 into 12 into 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो छोटा आपने कितने इक्वल क्यूब्स में बांटा है उसको, अब नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम सो कट इक्वल टू 8, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 12 into 12 into 12, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय 8। आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 से काट रही हूँ मैं, 2 4s are 2 6s are 2 2s are 2 6s are 2 1s are 2 6s, ठीक है, और साथ में यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लगा ही हुआ है तो आपके पास क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब, क्योंकि 6 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब, आप इसको क्या ले सकते हैं, सपोज इसकी साइड है आपकी ए, लेट द साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब इक्वल टू ए सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, फिर वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो है फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों आपका क्या निकल के आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों ही आपके स्मॉल क्यूब के ही जो है वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब आप इनको इक्वेट कर दीजिए, 1 and 2 इम्प्लाइज ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब आप इसे यहाँ पे जैसे अभी सेंटीमीटर क्यूब है, इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ ए सेंटीमीटर होल क्यूब, ताकि जो मेरा क्यूब से पूरा क्यूब कट जाए, इस क्यूब से एक क्यूब कट गया तो ए क्या, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ए कितना आ गया, 6। तो जो आपकी जो छोटे वाला क्यूब आया है उसकी डायमेंशंस क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर की हो गई है, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है दोनों का सरफेस एरिया, राइट। तो आपने, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं हम इसका। चलिए अब हमने लिखा है S1, व्हाट इज दिस सरफेस एरिया, क्योंकि उनका रेशियो निकालना है ना हमें, सरफेस एरिया ऑफ अ बिगर क्यूब, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 6 एज स्क्वेयर, एज बोल देते हैं इसको, साइड भी बोल देते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो गया 6 12
स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। एस टू क्या है आपका? सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉलर क्यूब। दिस इज अगेन 6 और उसके हमारे क्या निकल के आई थी? 6 आई थी। अब आपको दोनों का रेशियो निकालना है, तो बड़े वाले के साथ छोटे का निकालना है, तो S1 अपॉन S2। S1 क्या था? 6 L स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कट गया, 6 से 6 कट गया। इधर आपने लिखा 12 इंटू 12, नीचे लिखा 6 इंटू 6। आप इसको काट दीजिए, यहाँ से भी काट दीजिए, ये आ गया 4/1। सो S1 is to S2 क्या हो गया आपका? 4:1। ये आपका आंसर आ गया दोनों का रेशियो निकाल के। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? जब भी हम किसी भी चीज़ के अंदर, सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ काट रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसके वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कर लेते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। तो आपकी जो मेजरमेंट्स है रिवर की है। डीप का मतलब एच है 3 मीटर और ये ब्रेथ है यानी कि विड्थ 40 मीटर है। इट इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आर, यानी कि इस सपोज ये आपका रिवर है, ऐसे जा रही है, वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है इसका 2 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। 1 घंटे में यहाँ से लेके ये सारा पानी यहाँ से फ्लो करता हुआ जो है वो यहाँ चला जाता है पूरा पानी। तो अगर आप एक रिवर को इमेजिन करें तो उसकी शेप क्या होगी? उसकी क्यूबाइडिकल शेप होती है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और डेप्थ होती है, तो वे क्यूबाइडिकल शेप की होती है। ठीक है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जो उसकी लेंथ है उतना पानी सारा फ्लो कर जाता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है। हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट। आपको बताना 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी उस रिवर का फ्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास 1 मिनट में उसकी कितनी लेंथ है पानी की, यानी कि उस रिवर की कितनी लेंथ जो है वो उसका पानी फ्लो करता है। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आपको यहाँ पे गिवन है कि वाटर जो फ्लो कर रहा है 1 घंटे में कितना कर रहा है? 2 किलोमीटर लेंथ का ना। तो आपको निकालना है 1 मिनट में कितना लेंथ यूज हो रही है। तो आपने यहाँ पे लिखना है वाटर फ्लो इन 1 आवर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिवर ऑफ लेंथ 2 किलोमीटर। ठीक है, उसका वॉल्यूम। तो वाटर फ्लो इन 1 मिनट, ये तो 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में कितना फ्लो करेगा जो भी उस रिवर का वॉल्यूम है, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 किलोमीटर की। तो अब आपको निकालना है वाटर फ्लो इन 1 मिनट तो वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द रिवर ऑफ लेंथ 2। अब मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 2000 मीटर डिवाइडेड बाय 60। ये आपके इतनी लेंथ का जो पानी होगा वो मूव कर जाएगा। तो अब इसको काट लेते हैं, 2 से काटा 100, इसका मतलब हो गया 100/3 मीटर जो लेंथ है उसका पानी। तो अब हम निकाल लेते हैं कि वाटर फ्लो इन 1 मिनट, तो आपके पास L कितना आ गया अब इसके अंदर? 100/3 मीटर, राइट? तो वाटर फ्लो इन 1 मिनट इक्वल टू L इंटू B इंटू H। अब आपने जो ये L, B और H लेने हैं वो लेने हैं जो 1 मिनट के हिसाब से है। ठीक है, तो बेसिकली B और H तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी L चेंज होनी थी जो हमने निकाल ली 100/3 मीटर, राइट? तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे,
L है आपका 100 अपॉन 3, V आपका कितना है 40 और H कितना है 3, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। 3 से आपने इस 3 को काट दिया, 4000 मीटर क्यूब जो वाटर है वो फ्लो कर जाता है ये इन 1 मिनट में। वाटर फ्लो इन 1 मिनट इक्वल टू 4000 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। बेटा एक बार इस क्वेश्चन को ऊपर से फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा इसके अंदर आपको क्या ट्रिकी है, ये क्वेश्चन अच्छा है इम्पोर्टेंट भी है। देखिए जब आप एक रिवर है, अब इस रिवर के अंदर वो कह रहे हैं 1 घंटे में 2 किलोमीटर लेंथ की जो रिवर है उसका पानी आगे पूरा शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब है 1 घंटे में इतना इसका जो वॉल्यूम है वो आगे मूव कर जाता है पानी का। आपको निकालना है 1 मिनट के हिसाब से, तो आपको निकालना पड़ेगा 1 मिनट में इस रिवर की कितनी लेंथ का पानी जाएगा। अगर 1 घंटे में 1 आवर के अंदर कितनी लेंथ यूज हो रही है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का मतलब हो गया 2000 मीटर, तो 1 आवर का मतलब था 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा वो आपका 2000 मीटर अपॉन 60, आपने काटा यहाँ पे 100 आ गया, तो 100 अपॉन 3, तो 1 मिनट में कितना पानी जो है रिवर की कितनी लेंथ का पानी मूव करेगा, 100 अपॉन 3 मीटर लेंथ का पानी मूव करेगा। ठीक है, ये शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वाटर फ्लो इन 1 आवर, वॉल्यूम ऑफ द रिवर ऑफ लेंथ दिस, तो वाटर फ्लो इन 1 मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिवर ऑफ लेंथ, अब ये जो लेंथ है आपकी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी है 100 अपॉन 3 मीटर की। ठीक है, उसके बाद आपने वाटर कितना फ्लो कर रहा है वो आपने उसका वॉल्यूम निकाल लेना है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आ गए हैं अच्छे से, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।